सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, आई एम रोहित फ्रॉम मार्जिन ट्रेडर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में और काफ़ी कुछ इसमें होने वाला है गाइस। और अगर बात करें तो इसमें एक नेगेटिव न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है और काफ़ी लोग इसमें पॉजिटिव बातें कर रहे हैं और इस स्टॉक की रैली देखकर काफ़ी लोग इसकी ओर अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, काफ़ी तगड़ी इसमें बाइंग भी चल रही है। बट इसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। क्या वोडाफोन आइडिया को लेना सही रहेगा हम उसके बारे में जानेंगे और क्या क्या कुछ न्यूज़ इसमें आई है हम उसको इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर्स के अपडेट्स के लिए, शेयर्स की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले तो बात कर लेते हैं इसकी न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वोडाफोन आइडिया मैंने मार्क करके रखा है, अंडरलाइन करके रखा है कि द टेलीकॉम फर्म्स फाइनेंशियल स्ट्रेस अंडरलाइनड बाय माउंटिंग लॉसेस एंड राइजिंग डेप्ट इज लाइकली टू इम्पैक्ट इट्स फाइनेंशियल लेंडर्स एंड हैव अ बियरिंग ऑन एम्प्लॉय एंड सब्सक्राइबर्स। ICRA सेड ऑन मंडे हाईलाइट दैट गवर्नमेंट सपोर्ट इज क्रिटिकल एट दिस पॉइंट। तो आप देख सकते हो जो टेलीकॉम फर्म्स हैं उनमें काफ़ी पैसों की दिक्कत है, काफ़ी पैसों की परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही है, फंड्स नहीं आ रहे हैं और प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग हटा रहे हैं और कई सारे लॉसेस इन्हें हो रहे हैं, पहाड़ जैसे लॉसेस इन्हें हो रहे हैं और जो इनके ऊपर कर्जा होते जा रहा है वो इसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट, उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वोडाफोन आइडिया की उसमें काफ़ी दिक्कतें हमें देखने को मिल रही है। वही अगर बात करें एम्प्लॉयज़ की, सब्सक्राइबर्स की, तो उनमें भी कमी यहाँ पर आ रही है। और ICRA सेड ऑन मंडे, तो ICRA ने कहा है, सोमवार के दिन कहा था कि गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वोडाफोन आइडिया के लिए वो भी आने वाले टाइम में हट सकता है, अगर जब तक इनकी ए स्टेबल नहीं हुए तो हट सकता है। सो गाइस, यहाँ पर तो ये न्यूज़ आ रही है, इसके कारण कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट अगर वही अगर बात करें बाइंग की, तो आप वोडाफोन आइडिया में हम देखें तो बाइंग काफ़ी तगड़ी हो रही है गाइस। तो आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग यहाँ पर आप 82% की बाइंग हो रही है और सेल्स की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा कम है, 11% तक सेल यहाँ पर हो रही है। वही अगर बात करें होल्डिंग्स की तो 7% जो लोग हैं उन्होंने भी अभी तक इसमें होल्डिंग्स रखी है अपनी और लगभग 82% तक बाइंग हमें वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल रही है। तो बाइंग आप देख ही सकते हो बाइंग का इम्पैक्ट इसमें क्या पड़ रहा है। सेवन के प्राइस पर ये शेयर चल रहा था, आज मॉर्निंग की बात करें तो 9:25 पे यहाँ पर इसने लो लगाया था 7.15 के आसपास से भी कम का, क्या उससे ज़्यादा का हम कह सकते हैं। और उसके बाद ये स्टॉक में आप देख सकते हो 7.25 से ये अब चल रहा है 8.20 तक, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें रैली हमें देखने को मिल रही है और जिसके कारण स्टॉक काफ़ी तगड़े तरीके से बढ़ रहा है, रिटर्न भी काफ़ी दे रहा है। अब आज की बात करें तो 95 तक स्टॉक बढ़ा है। वही अगर 5 दिन की बात करें तो 1.95 रुपये स्टॉक बढ़ा है, लगभग आप देख सकते हो 2 रुपये की हमें यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। परसेंटेज में अगर बात की जाए तो 31.35% का हमें तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बाइंग इसमें काफ़ी तगड़ी हो रही है गाइस, बट जो न्यूज़ है इस न्यूज़ का भी गलत इम्पैक्ट इसमें पड़ सकता है। तो अगर चार्ट को भी देखा जाए तो चार्ट के हिसाब से भी अगर मैं बताऊँ तो चार्ट के हिसाब से भी हम इसमें पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैंने खुद ने यहाँ पर बोला था यहाँ पर 6 रुपये के लेवल पे, जब कोई न्यूज़ नहीं थी मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही बोला था कि अगर ये स्टॉक इन जगहों पे, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पर हमें रिजेक्शन मिला था, यहाँ पर हमें रिजेक्शन मिला था, यहाँ पर भी रिजेक्शन मिला था और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया। जैसे ही वोडाफोन आइडिया में हमें ब्रेकआउट मिला वैसे ही मैंने बोल दिया था कि यहाँ पर हमें बाइंग की ओर जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में इजीली 7.55 का जो उसका हाई था प्रीवियस, अभी थोड़े दिन पहले लगाया था, उसे अचीव कर लेगा। अगर ये 7.55 के भी अपने टारगेट को अचीव कर लेता है तो ये 8.55 के टारगेट की ओर जाने की कोशिश करेगा।
तो आप देख ही सकते हो मेरा पहला टारगेट तो यहाँ पर अचीव हो गया था और अब यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा था, काफ़ी नीचे तक आ गया था, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और टारगेट अचीव कर सकता है। अगर टेक्निकल हिसाब से ही बात की जाए, इनके टेक्निकल के बेसिस पे ही बात की जाए तो ये अच्छा पॉजिटिव जाता हुआ हमें दिख रहा है। बट अगर देखे जाए स्टॉक को यहाँ पर न्यूज़ के हिसाब से, तो न्यूज़ के हिसाब से तो इसमें कम ही हमें दिखाई दे रहा है। वही अगर बात करेगा इसके, अगर प्रमोटर्स की इसमें होल्डिंग कितनी है, क्या है अभी करंट होल्डिंग की बात की जाए, तो आप देख सकते हो 72% की होल्डिंग अभी भी स्टॉक में है। बट अगर जैसे इसमें न्यूज़ गलत आती है, गवर्नमेंट अपना हाथ इनके ऊपर से हटा लेती है, तो इन्हें काफ़ी दिक्कत हो सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि लगभग 72% तक की यहाँ पर गिरावट पहले ही हो चुकी है। वही अगर पब्लिक होल्डिंग्स की बात की जाए गाइस, तो अब 22% तक की पब्लिक की होल्डिंग्स है, और अगर बात करें DII की तो 1.3% है, और FII की होल्डिंग है समरी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 4.29% के आसपास यहाँ पर दिखाई दे रही है। वही अगर इसके रेवेन्यूज़ की बात की जाए, चलो ठीक है हम टॉप होल्डिंग्स के बारे में देख लेते हैं, तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनकी लगभग 11.55% की होल्डिंग यहाँ पर दिख सकती है, पर यहाँ पे यूरोप पैसिफिक सिक्योरिटीज LTD की 11% है, और प्राइम मेटल्स LTD की 7% है, ओरियाना इन्वेस्टमेंट्स PTE LTD की 7% है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो होल्डिंग्स भी इसमें काफ़ी दमदार है। और वही अगर बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स की भी होल्डिंग आपको यहाँ पर दिख सकती है, DSP की है, कोटक की है, ICICI की है, आदित्य बिरला की, HDFC की है, तो इसमें होल्डिंग्स भी म्यूचुअल फंड्स की काफ़ी तगड़ी है। और अगर वही मार्केट कैप की अगर बात कर लेगा इसको, मार्केट कैप आप यहाँ पर देख सकते हो 23.56 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, और 52 वीक के हाई की अगर बात करें तो 13.80 रुपये, और 52 वीक का लो है इसका 4.55 रुपये के आसपास का। वही अगर इसका पिछले रिकॉर्ड देखा जाए, तो पिछला इसका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा नहीं है, 100 ही पार कर पाया था, 150 इसने पार नहीं किया है। वही अगर फाइनेंशियल्स रिपोर्ट के बारे में अगर एक बार नज़र डाल लें हम इसके फाइनेंशियल्स रिपोर्ट के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने रेवेन्यू एनुअल्स में देख लेते हैं एनुअल में क्या कुछ है, तो 419 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था वोडाफोन आइडिया ने, और नेट इनकम भी आपको माइनस में दिखेंगी, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी माइनस में दिखेगा, नेट चेंज भी आपको माइनस में दिखेगा, बट अभी भी इनके पास पैसा लगभग 22.17 बिलियन के आसपास है एनुअल्स के हिसाब से अगर देखा जाए। वही अगर क्वार्टर्स के हिसाब से देखा जाए, तो अब इसमें काफ़ी हमें पॉजिटिव तो नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि माइनस में ये ज़्यादा दिख रहा है, और मार्च में भी वही सिचुएशन थी, बट इनके पास पैसा था, पर दिसंबर में देखा जाए तो 14 बिलियन था, और सितंबर 2020 की बात करें तो यहाँ पर आपको कमी देखने को मिलेगा। वही अगर एनुअल्स में अगर 2020 का देखा जाए, चलो हम 2020 का देख लेते, तो 3 बिलियन के आसपास इनके पास पैसा था, और 2018 में भी 193 मिलियन था, 2017 में यहाँ पर आप देख सकते हो 782 मिलियन था। वही अगर 2021 की कंपैरिजन में, इन सब के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो गाइस काफ़ी इनमें पॉजिटिव न्यूज़ भी आती है, नेगेटिव न्यूज़ भी आती है, पर वो डिपेंड करता है कि उन न्यूज़ का इम्पैक्ट किसी भी स्टॉक से, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो डिपेंड करता है न्यूज़ के ऊपर भी। अगर गवर्नमेंट अपने टैक्स हटा लेती है तो इनमें काफ़ी बुरा हाल इसका हो सकता है, अगर ऐसे ही ये चलता रहा, और हो सकता है वो न्यूज़ पॉजिटिव हो जाए बाद में, तो हमें इसमें काफ़ी तगड़े रिटर्न्स आपको बनते हुए देख सकते हैं। सो गाइस देखो, अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप कोई स्टॉक चूज़ करना चाहते हो जो अंडर 10 रुपीज़ के आसपास आ जाए, 20 रुपये के आसपास आ जाए, 100 रुपये के आसपास आ जाए, तो ये स्टॉक अच्छा है, पर आपको वेट करना होगा। अगर पूरे तरीके से अगर इसका देखा जाए, यहाँ पर आप इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट भी देखें तो माइनस में हमें दिख रही है, बट देखना होगा कि आगे इसमें क्या होता है। अगर इसमें हमें कुछ पॉजिटिव वे में जाता हुआ स्टॉक दिखेगा, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ इसमें आती हुई दिखेंगी, तो आप बिल्कुल इसमें अपना बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो गाइस वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।